है ना, तो इसमें हमको मैच करवाना है। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है बोलो बोलो, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रीजन, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रीजन, विजुअल रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन, एक्सरेज, गामा रेज, और ये ऑर्डर होता है वेवलेंथ के घटते क्रम में, फ्रीक्वेंसी के बढ़ते क्रम में, है ना। रेडियो को मम्मी ने, देखो इसका ट्रिक भी हम बताए क्लास में, रेडियो को मम्मी ने कहाँ डाली, बोलिए बोलिए, इंडिगो में। खैर छोड़ो, तो रेडियो को मम्मी को इंडिगो में डाली है ना। चलिए, तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रीजन, विजुअल रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन, एक्सरे, गामा रे, जिसका कॉस्मिक रेज होता है, ये ऑर्डर होता है फ्रीक्वेंसी के बढ़ते क्रम में, आप वेवलेंथ के घटते क्रम में। मतलब जो पहले है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा, जो पहले उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा, और जो बाद में उसका वेवलेंथ सबसे कम। रेडियो वेव्स इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा वाला कौन है, 10^2, यानी पहले का 2 सबसे ज्यादा है ना। देखो इस ऑर्डर में जाओ, है ना, क्या कुछ याद नहीं रखना है, इस ऑर्डर में जाओ। सबसे पहले रेडियो, तो रेडियो का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, उसके बाद घटता हुआ जाएगा, क्लियर। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन है, 10^2, तो पहले का तीसरा गलत, पहले का चौथा गलत। मतलब तीन ऑप्शन में पहले का तीसरा है, पहले का चौथा है, पहले का तो दूसरा होगा। तो पहले का दूसरा, बाकी सब याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा, पहले का दूसरा एक ही है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा।